और वहीं आज प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव की ओर से भी दौरा किया जाएगा। जी हां, प्रतापगढ़ की अगर बात करें, पूर्व सीएम अखिलेश यादव की जनसभा आज रखी गई है। जनता के बीच जाएंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे। कौशाम्बी से गठबंधन प्रत्याशी इंद्रजीत के पक्ष में वोट की अपील उनकी ओर से की जाएगी। प्रतापगढ़ से अशोक त्रिपाठी के लिए प्रचार करेंगे। अशोक त्रिपाठी के लिए प्रचार करते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, पूर्व सीएम अखिलेश यादव की ओर से आज जनसभा को संबोधित किया जाएगा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव की जनसभा आज रहने वाली है और कौशाम्बी से गठबंधन प्रत्याशी इंद्रजीत के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता डीके शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीके शर्मा, इस दौरे को लेकर और इस जनसभा को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है? ये कुंडा में जहाँ पर ये जनसभा रखी गई है, ये राजा भैया बाहुबली नेता का जो है क्षेत्र है। यहाँ पर कौशाम्बी और प्रतापगढ़ दोनों जगह पर, दोनों जगह से जो है जनता होगी, दोनों जगह की जनता होगी यहाँ पर जनसभा करेंगे ये अखिलेश यादव। और यहाँ से बताएंगे समाजवादी पार्टी की ताकत दिखाने का प्रयास करेंगे लोग, लेकिन कंडीशन यहाँ पे अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ जी ने जनसभा की थी, जो लगभग बहुत ही अफरा तफरी भरा माहौल रहा है। यहाँ पर देखना है कि क्या भीड़ इकट्ठा कर पाएंगे। बड़ी समस्या है यहाँ पर आज की ये जनसभा को लेकर के, अखिलेश यादव के लिए भी चुनौती भरा ये कार्यक्रम होगा। जी, अभी आपने कहा कि एक बड़ी समस्या नजर आ रही है, चुनौती भरा कार्यक्रम रहने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल आपने यहाँ पर भीड़ का किया, इसको लेकर आपसे जानना चाहेंगे, क्या वो चुनौतियाँ अखिलेश यादव के सामने आज पेश आ सकती है? जी, आ सकती। वजह यह है कि राजा भैया भी कभी समाजवादी पार्टी के समर्थन में ही रहा करते थे, लेकिन आज राजा भैया मायावती से जुड़ने के बाद अखिलेश यादव से दूर हो चुके हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बना रखी है और उनके वजह से ही प्रतापगढ़ जनपद का कुंडा क्षेत्र, जो कि हरदम राजा भैया के पक्ष में ही रहा है, तो क्या वो वहां पे जाएंगे, आज अखिलेश यादव को सुनेंगे लोग, ये बड़ा चुनौती भरा होगा इस समाजवादी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं के लिए। जी, जो राजा भैया वाला फैक्टर है वो कितना नुकसान यहाँ पर लोकसभा सीटों के लेकर अखिलेश यादव और मायावती को पहुंचा सकता है? जी बिल्कुल, राजा भैया का फैक्टर यहाँ प्रतापगढ़ जनपद में बिल्कुल देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए कि चुनावी माहौल 12 तारीख को होने वाला चुनाव ही मतलब लोगों को अपनी, अभी तक राजा भैया जो भी यहाँ से अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने जनपद के लोगों से अपनी अपील कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम प्रतापगढ़ जनपद को, जो अखिलेश यादव के पिताजी जो अपने क्षेत्र अपने गाँव में कर पाए हैं, करके दिखाए हैं, वहाँ पे हम अपने प्रतापगढ़ जनपद को ऐसा ही बना के दिखाएंगे। तो ये एक राजा भैया ने जो ग्लैमर लोगों को, बिल्कुल डीके शर्मा, 23 मई को सामने आएगा किसकी हार किसके जीत और कौन कितना बड़ा फैक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव भी प्रतापगढ़ से अशोक त्रिपाठी के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि भीड़ कितनी पहुंच पाती है उनकी इस जनसभा में।